हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सैफ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडी रिपोर्टर पर। दोस्तों, आज हम LIC कन्यादान पॉलिसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि आगे मैं जो भी वीडियो शेयर करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आज हम LIC कन्यादान पॉलिसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो इसके लिए हम अपने वेबसाइट पर जाएंगे www.trendyreporter.in पे। तो ये हम आ गए हैं हमारी वेबसाइट trendyreporter.in पे। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कन्यादान पॉलिसी के ऊपर। इस पॉलिसी का नाम है LIC कन्यादान पॉलिसी स्कीम 2021। LIC कन्यादान पॉलिसी स्कीम को भारतीय जीवन बीमा कंपनी द्वारा बेटियों की शादी और शिक्षा के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में भारत का कोई भी इच्छुक नागरिक अपनी बेटी की शादी के लिए इसमें निवेश कर सकता है। इस योजना की समय अवधि 25 वर्ष की है। इस योजना में लाभार्थी को केवल प्रतिदिन 121 रुपये का निवेश करना होगा और महीने के 3600 रुपये प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस योजना में आपको इसका प्रीमियम केवल 22 साल तक ही देना होगा और बाकी का प्रीमियम LIC कंपनी द्वारा किया जाएगा। जब LIC कन्यादान पॉलिसी के 25 साल पूरे हो जाएंगे तब आपको 27 लाख की राशि दी जाएगी। तो इसको हम शॉर्ट में जान लें तो इस स्कीम के बारे में, तो इस स्कीम का नाम है LIC कन्यादान पॉलिसी स्कीम। इसको लॉन्च किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC जीवन बीमा, और इसका जो बेनिफिशियरी है वो है भारत का नागरिक, एवरी सिटीजन। और इसका जो ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य है वो है बेटियों की शादी के लिए। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.licindia.in। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि LIC कन्यादान पॉलिसी 2021 का उद्देश्य क्या है। इस LIC कन्यादान पॉलिसी योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए बचत करना चाहता है वे इस प्लान का लाभ ले सकता है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक बाप के लिए जो गरीब या मध्य वर्ग के क्षेत्र से है, बेटी की शादी के लिए कितना परेशान रहता है और अपनी बेटी की शादी के लिए बचत नहीं कर पाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी ने बेटी की शादी के लिए बचत करने की पॉलिसी की शुरुआत की है। LIC कन्यादान पॉलिसी में व्यक्ति अपनी बेटी के भविष्य की सारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही वह अपनी बेटी की शादी के लिए बचत कर पाएगा। अब हम जानते हैं कि LIC कन्यादान पॉलिसी और सुकन्या समृद्धि योजना में क्या अंतर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी हम ये जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है नागरिकता। नागरिकता जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना में इस योजना को केवल भारतीय नागरिक ही ले सकता है। LIC योजना में भी जो आवेदक है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, एज यानी कि आयु, इन दोनों में आयु का जो है सुकन्या समृद्धि में बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, लेकिन LIC कन्यादान पॉलिसी में बेटी की उम्र कम से कम एक वर्ष, पिता की आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक होनी चाहिए। खाता धारक कौन होगा? तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता धारक बेटी होती है और LIC कन्यादान पॉलिसी में खाता धारक बेटी के पिता होते हैं। सम एश्योर्ड लिमिट कितनी है? भुगतान के अनुसार इस सीमित होता है, यानी जितना आप जिस हिसाब से आप अपना प्रीमियम चुनते हैं उसी अकॉर्डिंग आपका जो सम एश्योर्ड लिमिट होता है। और LIC कन्यादान पॉलिसी में न्यूनतम 1 लाख रुपए और अधिकतम इसकी कोई सीमा नहीं है। लिमिट कितनी है?
तो इस योजना में यानी कि कन्यादान सुकन्या समृद्धि योजना में 1.5 लाख तक का लिमिट दिया हुआ है, लेकिन LIC में कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। खाता परिपक्वता अवधि, इस योजना में बेटी द्वारा अपने खाते को 21 वर्ष की आयु होने तक या 18 वर्ष के बाद उसकी शादी होने तक इसे संचालित किया जा सकता है। LIC में इस योजना में 13 से 25 वर्ष तक परिपक्वता अवधि होती है। ऋण सुविधा क्या है, तो इस पे आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन दोनों में देख लेते हैं। तो इस योजना में यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप लोन नहीं ले सकते हैं, लेकिन LIC में LIC पॉलिसी में 3 वर्ष के बाद आप लोन ले सकते हैं। भुगतान की इसमें शर्तें क्या क्या है, तो इसमें प्रतिवर्ष अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं, और LIC पॉलिसी में LIC पॉलिसी में 3 वर्ष तक आपको भुगतान करना पड़ता है प्रीमियम का। योजना का प्रकार क्या है, तो सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए शुरू किया गया था, और LIC पॉलिसी जीवन लक्ष्य योजना की विशेषताएं इसमें शामिल की गई है। मृत्यु की स्थिति में दोनों योजनाएं में क्या क्या बेनिफिट है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो जानते हैं। तो यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो इसके अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना में उस लड़की के जो माता पिता हैं को नियमित ब्याज पर राशि का भुगतान कर दिया जाता है, और LIC कन्यादान में पिता की मृत्यु होने की स्थिति में इसके प्रीमियम को माफ कर दिया जाता है। अब दोनों में मुआवजा कितना मिलेगा, तो इस योजना में यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में मुआवजा नहीं दिया जाएगा, लेकिन LIC में खाता धारक की प्राकृतिक मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए, और यदि किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाता है। LIC कन्यादान पॉलिसी एक टैक्स फ्री पॉलिसी है जिसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब हम जानते हैं LIC कन्यादान पॉलिसी किस उम्र तक ले सकते हैं, तो न्यूनतम उम्र जो होगी वो 30 वर्ष की होनी चाहिए, और बेटी की न्यूनतम आयु 1 वर्ष की होनी चाहिए, और LIC कन्यादान पॉलिसी 25 वर्ष की अवधि के लिए मिलती है। इस योजना में आपको केवल 22 साल ही प्रीमियम का भुगतान करना होता है। सबसे पहले अब हम ये जान लेते हैं कि LIC कन्यादान पॉलिसी के लाभ क्या क्या हैं, यानी कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है वो LIC कन्यादान पॉलिसी स्कीम में यदि किसी बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और दूसरा जो लाभ है वो है पॉलिसी धारक को मिलने वाला मृत्यु लाभ वार्षिक इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, जो पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद इसके परिवार की आर्थिक जरूरत को पूरा करता है। आपको इस योजना में LIC द्वारा घोषित किए गए बोनस का भी लाभ मिलता है। अगर इस LIC पॉलिसी में बीमा धारक की मृत्यु किसी एक्सीडेंट में होती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो है यदि बीमा धारक 75 रुपये रोज के जमा करता है तो उसे मासिक प्रीमियम देने के 25 साल बाद बेटी के विवाह के समय 14 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी के अनुसार यदि कोई बीमा धारक 251 रुपये रोज बचाता है तो उसे मासिक प्रीमियम देने के 25 साल बाद 51 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस LIC में शादी करने के बाद भी अपने पूरे जीवन काल तक भुगतान करती रहती है। अगला जो लाभ है वो है बीमा धारक की मृत्यु 25 वर्ष की अवधि के बीच होती है तो जो उसकी मूल बीमा राशि है उसका 10% मृत्यु के बाद हर साल परिपक्वता की माह तक खाता धारक को या बीमा धारक के जो नॉमिनी है उनको देते जाएंगे। कोई भी बीमा धारक इसमें 75 रुपये निवेश करके 11 लाख रुपये अपनी बेटी की शादी के लिए बचा सकता है। इस पॉलिसी में प्रीमियम के भुगतान की अवधि सीमित है,
पॉलिसी अवधि की तुलना में प्रीमियम भुगतान की अवधि 3 वर्ष से कम है। और कन्यादान पॉलिसी में अलग अलग प्रीमियम भुगतान मोड हैं, जो कि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक है। इस पॉलिसी का समय अवधि 13 से 25 वर्ष के बीच है। LIC कन्यादान पॉलिसी योजना में बीमा धारक अपनी आवश्यकता अनुसार भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। इस पॉलिसी में विकलांगता राइडर का लाभ भी लिया जा सकता है, लेकिन ये लाभ तभी लिया जा सकता है जब प्रीमियम के भुगतान का कार्यकाल कम से कम 5 वर्ष हो। और इस योजना का प्रीमियम चार्ट बहुत ही सरल है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। इस LIC में यदि पॉलिसी सक्रिय है एवं पॉलिसी धारक 3 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किया है, तो इस पॉलिसी के माध्यम से वह लोन भी प्राप्त कर सकता है। इस LIC कन्यादान पॉलिसी में आप टैक्स फ्री लाभ ले सकते हैं। इस योजना में आपको टैक्स फ्री रखा गया है। अब हम जान लेते हैं कि LIC कन्यादान पॉलिसी की पात्रता, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। इस पॉलिसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो सबसे पहले, इस योजना में केवल बेटी के पिता के द्वारा ही इस पॉलिसी को खरीदा जा सकता है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, LIC कन्यादान पॉलिसी योजना में आयु सीमा 18 से 50 वर्ष तक का है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, पॉलिसी खरीदने के लिए बेटी की उम्र कम से कम 1 वर्ष की होनी चाहिए। LIC कन्यादान पॉलिसी स्कीम परिपक्वता के समय न्यूनतम बीमित राशि 1 लाख रुपए होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है, इस योजना में परिपक्वता के समय अधिकतम बीमित राशि की कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसमें 13 से लेकर 25 वर्ष की पॉलिसी अवधि दी गई है। तो ये थे वो एलिजिबिलिटी, जिसके जरिए आप जान चुके होंगे कि कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इस पॉलिसी को बाय कर सकता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड, नेक्स्ट आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पते का सबूत, पासपोर्ट साइज फोटो, योजना के प्रस्ताव का विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म जरूर होना चाहिए। पहला प्रीमियम भरने के लिए चेक या कैश जरूरी है, और जन्म प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है। अब हम जानते हैं कि इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसीजर क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको इस पॉलिसी में आवेदन करने के लिए आपको अपने नज़दीकी LIC ऑफिस या LIC एजेंट से संपर्क करना होगा। उसके बाद LIC एजेंट आपको LIC कन्यादान पॉलिसी के टर्म बताएगा, आपको अपनी इनकम के अनुसार उसे चुनना होगा। LIC एजेंट को अपनी जानकारी और अपने दस्तावेज देने होंगे, इसके बाद वह आपका फॉर्म भर देगा और जमा कर देगा। इसके बाद आप LIC कन्यादान पॉलिसी योजना 2021 से जुड़ सकते हैं। और यदि आप इस योजना की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.licindia.in पर विजिट कर सकते हैं। तो ये था LIC पॉलिसी के बारे में, कन्यादान पॉलिसी के बारे में। तो यदि आप इसे पूरे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप यहाँ पर आकर अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़ सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।